بسم الله الرحمن الرحيم. घर के हालात खराब है, बस दरवी शरीफ पढ़ो। मैंने तो चंद दिनों से मुख्तलिफ किताबें देखी हैं, उसमें उन्होंने यही हल लिखा है कि जब सारे मसाइल नाकाम हो जाए हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े औलिया अल्लाह में गुजरे हैं, कराची में थे, अब तो फौत हो गए। मेरा ख्याल है कि हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब भी उनसे बैयत थे और उनके शायद खलीफा भी हुए। तो एक आदमी का शादी हुई, रिश्ता हुआ, उनने बड़े जेवर शेवर दिए अपनी बेटी को जहीज में, बाद में झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपना जेवर भी कब्जा कर लिया, सामान पे भी कब्जा कर लिया, उसकी उनकी बेटी को भी मार के घर से निकाल दिया। फिर देखा कि लाखों के जेवर हैं, ऐसे हजम नहीं होंगे, जाकर पुलिस में भी रिपोर्ट करा कि वो चोरी करके ले गई है, पर्चा भी उनके खिलाफ करा दिया। अब वो बेचारे मुकदमे भुगत रहे हैं। तो हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब की खिदमत में गए, उन्होंने कहा सारे घर वाले बस दरूद शरीफ पढ़ते रहे और दुआ मांग। अब सारे घर वाले ऋषि पढ़ रहे, अल्लाह की शान ये है कि चंद दिनों के बाद उसका जो घर वाला था उसने तलाक भी दी और जेवर लेके एक सुनार के पास गया कि जी ये मैंने बेचने हैं। उन्होंने कहा तुमने बनवाए कहाँ से थे? उन्होंने कहा जी हमने कराची से बनाने का, रसीद ले आओ फिर हम लेते हैं, बगैर रसीद के हम नहीं लेते। उन्होंने कहा जी रसीद तो थी लेकिन अब पता नहीं वो मिलती है या नहीं मिलती। वो समझ गए, उन्होंने अपने लड़के को इशारा किया, वो जाके पुलिस को ले आया, पुलिस ने पकड़ा, दो लिटर लगे। उसने कहा ये तो मेरी बीवी के जेवर हैं, हमने खुद छुपाया, खुद झूठा पर्चा कराया। तो अल्लाह की रहमत से वो सारे के सारे जेवर भी मिल गए, मुकदमा भी खत्म हो गया, वो खुद भी जेल चले गए। तो जरूर की बरकत से बड़ी मुश्किल जो है वो हल हो जाती है। शर्त यह है, ये कहते हैं जी कि मेरी वालदा को पिछले 18 साल से सर का दर्द है, हर तरह का इलाज भी करवाया है, रूहानी भी जिस्मानी भी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तो मेरा भाई गुजारिश यह है कि सबसे बेहतर इलाज यही है कि जब कोई इलाज असर न करे ना तो हजूर का दरूद पढ़े, एक तस्बीह दरूद शरीफ दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हो ना जी, हर नमाज के बाद पढ़ के पानी पे भी दम करो, हाथों पे भी दम करके सर पे फेरे और वही पानी पीती रहे, तो इंशाअल्लाह चंद दिन